बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x². अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में तीन हमें जो है टर्म्स दी हुई हैं, एक एक्स पावर फोर है, एक 2x³ है और एक एक्स स्क्वेयर है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 और इंट्रोडक्शन पार्ट 4 में थ्योरम्स पढ़े थे, उन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, सही है। तो पहले तो देखें कौन सा थ्योरम इस पर अप्लाई हो सकता है, पहले तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है, सही है। तो देखें, ये है एक्स पावर 4, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, पावर, वेरिएबल की पावर आ रही है, सही है, फंक्शन की पावर आ रही है। तो पावर रूल हमने पढ़ा था, एक थ्योरम, ठीक है, पावर रूल इस पे अप्लाई होगा। और इसमें देखें 2x³, मतलब कि एक तो वेरिएबल है उसकी पावर है, और साथ में 2 एक कॉन्स्टेंट है, उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मतलब एक थ्योरम जो हमने पढ़ा था, c f(x), इसका डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ c f(x) जो हमने इक्वल आया था, सी बाहर हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ f(x) बन जाता है, सही है। और दूसरा जो पावर रूल हमने पढ़ा था, पावर रूल d/dx ऑफ x^n, तो वो पावर रूल था n(x)(n-1) और साथ में डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन या दैट वेरिएबल विदाउट पावर, सही है। तो ये दोनों जो है थ्योरम्स इसमें यूज़ होंगे, ठीक है, ये थ्योरम्स हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम फाइंड करें, ठीक है, d/dx ऑफ x^4 प्लस 2x³ प्लस x². अच्छा, एक और थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले तो वही थ्योरम अप्लाई होगा कि देखें, हमने एक थ्योरम पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस g(x), मतलब के दो फंक्शंस का सम हो रहा था, ठीक है, तो उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। वो इक्वल आया था किसके, सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ दैट दीज टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ g(x), मतलब के दो फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर वो इक्वल आता है, अलग अलग उन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, सही है। इसी तरह से ये एक फंक्शन है, ठीक है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ये तीन फंक्शंस यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले तो ये वाला थ्योरम अप्लाई होगा, सही है, तो ये बनेगा, इसको मैं रेड कलर से सॉल्व करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए कि वो हमने थ्योरम लिखे थे और यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो अलग अलग हम पहले डेरिवेटिव लिख लेते हैं, एक डेरिवेटिव ऑफ x^4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x², सही है। ये वाला जो है थ्योरम हमने अप्लाई किया, सबसे पहले पहले ये अप्लाई किया, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले पर तो x^4 जो है, इस पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, देखें इसमें पावर इन्वॉल्व हो रही है तो ऑब्वियसली पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, सही है। तो पावर रूल हम अप्लाई करते हैं, मतलब के ये वाला जो थ्योरम है ये हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा, पहले पावर आ जाएगी
ठीक है, ये जिस तरह से n मैंने पहले लिखा x पावर n था, इसका डेरिवेटिव लिया तो n पहले पावर पहले आ गई, उसके बाद वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर दिया, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल में लिखूँगा और साथ में पावर में से एक माइनस कर दूँगा, 4 माइनस 1, सही है, और साथ ही मल्टीप्लाई में कर दूँगा डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर क्या, एक्स एक्स की एक्स का डेरिवेटिव आ गया, से ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, ये पहली टर्म का डेरिवेटिव हो गया, सही है। अब हम आते हैं सेकंड टर्म के ऊपर, सेकंड टर्म है 2x³, सही है, तो मतलब कि पहले चीज़ तो ये है कि एक कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब कि एक फंक्शन हमारे पास x³ है, उसके साथ जो है एक कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला थ्योरम यूज़ होगा, मतलब कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो कांस्टेंट बाहर रख लेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, यही काम हम यहाँ पर करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं फंक्शन का, फंक्शन हम x³ को ले रहे हैं, सही है, डेरिवेटिव ऑफ x³ ये हो गया सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। इसी तरह से थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड टर्म है हमारे पास x², सही है, तो x² का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो x² में कोई कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, सही है, या फिर कोई प्रोडक्ट की फॉर्म तो बन नहीं रही, या फिर कोई क्वेश्चन की फॉर्म तो बन नहीं रही, सही है, तो सिंपल क्या कौन सा हम थ्योरम इस पे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा, जिस तरह से पहली टर्म जो है x⁴ है उसमें सिर्फ पावर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, इसी तरह से इसमें भी सिर्फ पावर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, एक्स का स्क्वेयर है, एक्स की पावर 2 है, तो इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, पावर रूल जो हम पहले देख चुके हैं, ये थ्योरम है पावर रूल का, सही है, तो ये बन जाएगा 2x⁻²-1 और फिर साथ में डेरिवेटिव विदाउट पावर, और ये बन गया हमारा थर्ड टर्म का डेरिवेटिव। अच्छा, अब आगे मज़ीद इसको लेकर चलते हैं, तो ये बन जाएगा 4x⁴-1 इज 3, 4x³ और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, उसके बाद प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x³, 2 उसी तरह मैंने लिख दिया, सही है, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कांस्टेंट तो बाहर जा चुके हैं, सही है, अब सिर्फ पावर बची है, ठीक है, वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पर हम दोबारा से पावर रूल अप्लाई करेंगे, सही है, तो पावर रूल हम अप्लाई करते हैं, 3 पावर आ गई और साथ में वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर दिया और साथ डेरिवेटिव विदाउट पावर ये आ गया, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, और इसी तरह से अब आगे चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ जिस पे हमने पावर रूल अप्लाई किया था, तो ये 2 उसी तरह से नीचे आ जाएगा और x⁻²-1 2x आ गया, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वो 1 होता है, सही है, 2x⁻². अच्छा, आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये 4x³ × 1 4x³ ही आ जाएगा, 4x³, सही है, प्लस ये हमारी फर्स्ट टर्म है, 4x³ प्लस 2 × 3 इज 6, 6x³ − 1 इज 2, ठीक है, 6x² × डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और प्लस ये सेकेंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म 2x✕1 इज 2x,
2x हमें वापस मिलेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करके दोबारा से लिख लेते हैं कि ब्रैकेट्स भी ओपन मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x, ये डेरिवेटिव बना हमारे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन थी उसका, सही है। इसमें पावर रूल भी अप्लाई हुआ, कुछ जगह पर जो है कांस्टेंट से जो है मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन, ठीक है, वो थ्योरम अप्लाई हुआ, और साथ में एडिशन ऑफ टू और थ्री फंक्शंस वो वाला थ्योरम हमने यूज़ किया, और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको डेरिवेटिव्स को की अच्छी तरह समझ आएगी, सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सा थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलें आप देखें कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी इन्वॉल्व हो रही है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस पे वो वाला थ्योरम अप्लाई होगा। देखें इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये रेशनल बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि रेशियोज़ में है। कोशेंट रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये डिवाइड की फॉर्म में है, ठीक है, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये इस पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, सही है। कोई भी इस तरह की फॉर्म हो तो हम उस पर कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो कोशेंट रूल क्या था वो आप ज़रा देखें कि मैं दोबारा से लिख देता हूँ। कोशेंट रूल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर ऑफ एक्स, बल्कि इसमें पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा, सही है, और यहाँ पर जी प्राइम ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ से जी प्राइम ऑफ एक्स यहाँ से ख़त्म, यहाँ से एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये बनता है हमारा कोशेंट रूल, सही है। तो इस कोशेंट रूल को हम यूज़ करते हुए, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो ए प्लस एक्स के इक्वल है, सही है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है, ए माइनस एक्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव पहले आएगा, सही है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब कि फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर हमारे पास ए प्लस एक्स है, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है ए माइनस एक्स, तो साथ में सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस एक्स, सही है। तो ये डेरिवेटिव सिर्फ इसका होगा, इसका, तो अब उसके बाद माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमने लगा दिया, फिर जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स मतलब कि डिनोमिनेटर का जी ऑफ एक्स जो है डिनोमिनेटर में है, इसका जो है डेरिवेटिव वो हम ले रहे हैं, सही है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है हमारे पास ए माइनस एक्स, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स, सही है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एफ ऑफ एक्स मतलब कि न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सिंपली उसी तरह आ जाएगा, न्यूमरेटर यहाँ पर ए प्लस एक्स है, तो यहाँ पर ये ए प्लस एक्स इसी तरह हम लिख देते हैं, और साथ में डिवाइडेड बाय क्या है जी स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया गया है, सही है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ए माइनस एक्स है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया क्वेश्चन रूल। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स, सही है, वही सम ऑफ टू फंक्शंस जो है वो वाला थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, सही है, तो उनका डेरिवेटिव लेना है, तो अलग-अलग उनका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये बनेगा डी बाय डी एक्स
of a plus d by dx of x. सही है, दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव बराबर होता है दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का सम के. ठीक है, तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव इनटू क्या है a माइनस एक्स. इसी तरह से माइनस, अब ये यहाँ पर सम था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो फंक्शंस आपस में. ठीक है, वही वाला थ्योरम यूज़ होगा. तो अलग-अलग हम लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस t बाई डी एक्स ऑफ x. ये भी हमने थ्योरम यूज़ किया. साथ में क्या है, ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम साथ में लिख लेते हैं ए प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाय क्या है, ए माइनस एक्स स्क्वेयर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डी बाय डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स हम फाइंड कर रहे हैं. अच्छा, अब देखें ए, ए क्या चीज़ है, ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट थ्री में बात की थी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो है डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है. सही है, ज़ीरो प्लस वन इंटू ए माइनस एक्स, उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम लिख लेते हैं. माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए इज़ ज़ीरो माइनस, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ वन इंटू ए प्लस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर. अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ज़ीरो प्लस वन इज़ वन, वन इंटू जो जिस चीज़ से भी वन को मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही टर्म वापस आएगी ए माइनस एक्स. ठीक है, ए माइनस एक्स आ गया, उसके बाद है माइनस, और माइनस वन इंटू प्लस माइनस वन इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सही है, साथ में ए प्लस एक्स उसी तरह से आ जाएगा, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स. अच्छा, अब देखें इसको और हम मज़ीद किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं. ए माइनस एक्स ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं. सही है, ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर. अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं. सही है, तो ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं. ठीक है, उनको मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी ए प्लस ए बचा वो क्या बन जाएगा, टू ए. सही है, टू ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई और टर्म जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगी, कॉमन शॉमन कोई नहीं आएगा. ठीक है, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर उसी तरह से हम लिख देते हैं और ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सही है, तो इसको हम रिज़ल्ट कंसिडर कर लेते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, तो ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव आया हमारे फंक्शन का ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स. जो फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, क्वोशेंट रूल अप्लाई किया, फिर साथ में हमने जो है क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद बाकी भी थ्योरम्स, सम ऑफ टू फंक्शंस वाला थ्योरम भी यूज़ हुआ इसमें. सही है, तो ये सारे थ्योरम्स अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास रिजल्ट आया टू ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, क्वेश्चन नंबर है फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें गिवन है एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से आइडेंटिफाई करें हम कौन से थ्योरम्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए. अगर गौर किया जाए तो इसको अगर मैं एक फंक्शन कह दूं और इसको मैं एक फंक्शन कह दूं, तो फिर
हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, इन दोनों फंक्शंस का आपस में रिलेशन क्या है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको हमने प्रोडक्ट रूल कहा था, ठीक है। तो वो वाला हम थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोडक्ट रूल क्या था, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स हमने लिया था और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स लिया था, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे थे, तो वो आया था इक्वल एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, सही है। क्योंकि दोनों टर्म्स जो हैं आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ये टर्म मैंने पहले लिख दी और ये मैंने बाद में लिख दी, या फिर इस टर्म को पहले लिख दिया जाए, ठीक है, और इसको बाद में लिख दिया जाए, इसको पहले लिख, तो ये दोनों जो है रिजल्ट्स बन सकते हैं इसके। तो ये वाला थ्योरम हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा, पहले क्या है एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है, एक्स माइनस फाइव आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, थ्री माइनस एक्स है, थ्री माइनस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री माइनस एक्स, और बाद में प्लस आ रहा है इसके, यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया, और फिर क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स माइनस फाइव, तो उसका डेरिवेटिव हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फाइव, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री माइनस एक्स, ठीक है, मतलब कि जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड जो है फंक्शन, सेकेंड फंक्शन थ्री माइनस एक्स है, उसको हम साथ में लिख देते हैं, थ्री माइनस एक्स आ जाएगा, सही। तो अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने थ्योरम अप्लाई कर दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, एक्स माइनस फाइव उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो साथ में डेरिवेटिव है थ्री माइनस एक्स का, तो दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एक थ्री है और एक एक्स है, सही, इनके दरमियान में माइनस है, दो फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो थ्योरम हम यूज़ करें सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो अलग अलग उन फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लिया जाता है, तो हम अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ थ्री माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस पे भी हम वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है थ्री माइनस एक्स। अच्छा, और मज़ीद इसको लेकर चलते हैं, तो एक्स माइनस फाइव इंटू क्या बनेगा, एक्स डेरिवेटिव ऑफ थ्री, थ्री एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ज़ीरो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ वन, सही है। इसी तरह से प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, फाइव इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, इंटू थ्री माइनस एक्स। अब इसको हम और मज़ीद सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस फाइव इंटू ज़ीरो माइनस वन इज़ माइनस वन प्लस वन माइनस ज़ीरो इज़ वन इंटू थ्री माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा साथ। अब इनकी ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस एक्स। अब जो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो दोनों
ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, और ये 5 प्लस 3 8 बन जाएगा। तो डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस टू एक्स प्लस 8। इससे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हम इसको कर सकते, तो इसको हम रिज़ल्ट कंसिडर कर लेते हैं डेरिवेटिव का। इसी तरह से बाकी जो है जिसमें कुछ को हमें पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है या क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि हमें क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सही है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको रेशनलाइज पहले कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तब जाके हमारे जो है आसानी होगी हमें डेरिवेटिव फाइंड करने में, वरना डायरेक्ट हम क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले से सॉल्व कर लें, कोई कॉम्प्लेक्स जो आ जाते हैं हमारे पास फंक्शंस या जो एक्सप्रेशंस हैं तो उनको पहले सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, तब हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये अप्रोच आप यूज़ करें कि इसको पहले रैशनलाइज कर लें, उसके बाद इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस भी इस तरह से आप खुद से टेक्निक्स अप्लाई करें, पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद थ्योरम्स जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 और पार्ट 4 में बताए वो थ्योरम्स यूज़ करके आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।